गुनाह करना ही गुनाह नहीं होता, गुनाह को संरक्षण देना सबसे बड़ा गुनाह होता है। हरिद्वार के धर्म संसद में गृह युद्ध तक की बात की गई कि इन 20% को मारकाट मचाना है। इस तरीके के गृह युद्ध की बात करने वाले को क्या मुकदमा हुआ, उसमें कितना क्या अरेस्ट हुआ? उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के हिसाब से भाजपा दुर्भाग्य है। भाजपा को हरा के कोई भी आए, भाजपा जितना बंटाधार भारत के किसी ने नहीं किया। 19 साल के लड़के का क्या ऐप बनाया, सुल्ली ऐप बनाया, उसके उसके लैपटॉप में 17 GB पॉन मिला। लगे हरियाणा में हिंदू मुस्लिम होने से काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने पूरे बिरादरी को बोल दिया जाट दुश्मन है। उत्तर प्रदेश में बताया यादव दुश्मन है। पूरे मीडिया के प्रचार में कोई भी बोलता है आदित्यनाथ से कि तुम्हारी कास्ट ठाकुर है, सब अखिलेश यादव से क्यों बोलते हैं आप, यादव वोट साधने में लगे हुए हैं। नोटबंदी किया, बोले कालाधन हट जाएगा, आतंकवाद खत्म। आतंकवाद खत्म हो गया तो पुलवामा पे और ये छत्तीसगढ़ में अटैक कैसे हुआ? नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। मेरे साथ अभिषेक हैं जो पेशे से एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इनसे बात करेंगे। पहले इन्होंने बोला, पहले पूरे भारत को मुसलमान के खिलाफ किया, हरियाणा में मुसलमान नहीं है तो इन्होंने हरियाणा में पूरे वोटर्स को जाटों के खिलाफ कर दिया, जाट बनाम सारी बिरादरी कर दी। उत्तर प्रदेश में बताया यादव, आपने मेवात का नाम सुना है? हाँ, मेवात में कितना, अरे मेवात का नाम सुना या नहीं सुना? रोहतक में तो जाट मेजोरिटी में है ना, इन्होंने 1% से 1.5% हरियाणा के पॉपुलेशन में मुस्लिम है। मैं कह रहा हूँ इन्होंने क्या किया कि जब पता चला कि हरियाणा में हिंदू मुस्लिम होने से काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने पूरे बिरादरी को बोल दिया जाट दुश्मन है। उत्तर प्रदेश में बताया यादव दुश्मन है। पूरे मीडिया के प्रचार में कोई भी बोलता है आदित्यनाथ से कि तुम्हारी कास्ट ठाकुर है, सब अखिलेश यादव से क्यों बोलते हैं आप, यादव वोट साधने में लगे हुए हैं। आदित्यनाथ से, मोदी से इनके कास्ट क्यों नहीं याद दिला जाता? अमित शाह से क्यों नहीं बताया जाता कि तुम जैन हो? 80% जो आदित्यनाथ ने बात किया ना, उस 80% में अमित शाह भी आते हैं। अगर माइनॉरिटी की बात की, मुसलमान तो 17 से 18%, 2% सिख है, फिर 1% में ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, इनको भी भगाने की बात हो रही है? इस तरीके से भारत चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ जो मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी ने कब बोला कि यहाँ से जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भगाया जाएगा? अरे किसने स्टेटमेंट दिया है? मैं बताया कहीं, ये देखिए, गुनाह करना ही गुनाह नहीं होता, गुनाह को संरक्षण देना सबसे बड़ा गुनाह होता है। हरिद्वार के धर्म संसद में गृह युद्ध तक की बात की गई कि इन 20% को मारकाट मचाना है। इस तरीके के गृह युद्ध की बात करने वाले को क्या मुकदमा हुआ, उसमें कितना क्या अरेस्ट हुआ? ये हमारे अमित शाह जी 2 मिनट के उस पर भारत को लॉकडाउन कर देते हैं, 370 हटा देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं, उस एक अपराधी को ऊपर केस करने में जब एक राष्ट्र है, कंडेम किया, जब एक राष्ट्र है तो क्या एक संविधान नहीं होना चाहिए क्या? कश्मीर से 370 क्यों नहीं हटना चाहिए भाई? अरे देखिए, ये अलग मुद्दा है, ठीक है, कश्मीर से 370 हटना चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट को जो सारे वो मिल प्रायोरिटीज मिल रखे हैं एक राज्य होने के नाते, उनका भी हटा दो। हाँ बिल्कुल, हो रहा है, उसमें भी कार्रवाई हो रहा है भाई, कुछ हो रही है। अरे कुछ नहीं, एक साल में तो नहीं होगा। अरे कुछ भी नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बाहरी आदमी जमीन नहीं ले सकता, लीज पे ले सकता है। हिमाचल प्रदेश से ये विधि हटा दो, हिमाचल का आदमी उत्तर प्रदेश में जमीन ले सकता है। जब कोई देश बनता है, विविधता वाला देश, अमेरिका में 56 स्टेट है, 56 स्टेट के 56 अलग अलग नियम कानून है, समझ गए? सबको संरक्षण देना होता है सबकी। अगर तमिलों के ऊपर हिंदी थोपोगे तो तमिल हिंदी के खिलाफ उठेंगे, पंजाबी के ऊपर हिंदी थोपोगे तो पंजाबी हिंदी के खिलाफ उठेंगे। ये देश मिल समरसता से चलने वाला है, एक दूसरे को थोपा थोपी नहीं हो सकता। भाजपा का क्या है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो ऐसे मुद्दे ले आते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों है कि हिंदू कम हो। अरे कहाँ हिंदू कम हो रहे, हिंदुओं के लड़के पढ़ लिख नहीं रहे, उनको तुम जो है बताओ, 19 साल के लड़के का क्या ऐप बनाया, सुल्ली ऐप बनाया, उसके लैपटॉप में 17 GB पॉन मिला, उसके पापा बोल रहे हैं हमें पता ही नहीं कि ये क्या कब ऐसा काम करने लगा। इस तरीके के नफरत घोल घोल के भारत को किस दिशा में लेके जा रहे हैं? फाइनली आप क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश उसमें कौन पार्टी आएगी? उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के हिसाब से भाजपा दुर्भाग्य है। भाजपा को हरा के कोई भी आए, भाजपा जितना बंटाधार भारत के किसी ने नहीं किया। नोटबंदी किया, बोले कालाधन हट जाएगा, आतंकवाद खत्म हो गया तो पुलवामा पे और ये छत्तीसगढ़ में अटैक कैसे हुआ? नोटबंदी से कालाधन खत्म हो गया तो भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता के यहाँ से 270-300 करोड़ रुपया का कैश कैसे मिला? माने नोटबंदी पे किसकी कमर तोड़ी, जो छोटा व्यापारी थी, जो कुछ भी ये करके आए, जो कुछ भी इन्होंने किया, सब में इन्होंने विध्वंस किया। कश्मीर से 370 हटा दिए, कश्मीर में अमन चैन हो गया, हम और तुम जा सकते हैं कश्मीर, कर्फ्यू लगाया वहां पे। आए मथुरू साहब का मर्डर हो गया, वो मथुरू साहब जिन जो मुसलमान और वो एक साथ बैठ के खाना खाते थे, पलायन के बाद भी वो नहीं आए थे, उनका मर्डर हो गया। इतना ज्यादा वहां एट्रोसिटी पे भी वो उनको किसी ने कुछ नहीं बोला था, ये भाजपा काल में उनको मार दिया गया यार। इन सब बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है? तो ये भाजपा के अलावा कोई भी जीते, कोई ना जीते तो लोग खड़े हो, खुद की पार्टी बनाए, खुद से इलेक्शन लड़े, लेकिन भाजपा को हराए बस। चलिए शुक्रिया।